सकते हैं गाड़ी का सामने से फ्रंट लुक आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग रांची जस्ट पहुंचे हैं और बूटी मोड में इस हुंडई शोरूम का यहां पे आउटलेट है और आप देख सकते हैं पीछे आपको गाड़ी दिख रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दोस्तों 12:30 बज रहा है और रैंडम कुछ प्लान बना है और एक्चुअली मुझे सुबह से पता नहीं था और अचानक से हम लोगों को रांची भी जाना पड़ रहा उसी काम से। और आप देख सकते हैं हम लोग कार में हैं अभी और ओमश्री यहाँ पे ड्राइव करके जा रहा है क्योंकि हम लोग को अचानक से कुछ सरप्राइज़ है वीडियो में आपके लिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपको आगे दिखाएंगे क्या सरप्राइज़ है। और चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। और आप अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे आप नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में जब हम लोग घर से निकले थे तो उस समय पेट्रोल गाड़ी में नहीं ले पाए थे, तो यहाँ पे कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पेट्रोल वगैरह ले चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों को गाड़ी में हवा भी करवाना था, यानी गाड़ी में टायर में हवा डलवाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भैया के दुकान में रुकने के बाद हमने गाड़ी में अच्छे से हवा डलवा लिया और आप देखो यहाँ से रांची आपको बहुत नज़दीक देखने को मिलता है। In 300 meters, take the ramp to Ranchi Ring Road. फाइनली दोस्तों अभी हम लोग रांची जस्ट पहुंचे हैं और बूटी मोड़ में इस हुंडई शोरूम का यहां पे आउटलेट है और आप देख सकते हैं पीछे आपको गाड़ी दिख रहा है। इसी गाड़ी को हम लोग आज ले जाने वाले हैं। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड का है, मेरा खुद का नहीं है। तो सरप्राइज़ वीडियो में यही था दोस्तों कि आज जो मैं घर से निकला था अचानक रैंडम जो प्लान बना था, तो क्या था कि मेरे दोस्त के घर पर आज बर्थडे का ओकेज़न भी, उसके बड़े भाई का बेटे का बर्थडे है तो आज उसी के ओकेज़न पर उनके जो पापा है ये गाड़ी को उसके जो भी उनका जो पोता उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उसी गाड़ी को आज लेने के लिए आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में गाड़ी आपको देखने को मिल रहा है और अभी सीधा अंदर चलेंगे और देखेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्योंकि पेमेंट वगैरह अच्छे से नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी का सामने से फ्रंट लुक आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है और ये ब्लैक में है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। आपको इसका डिसेंट कलर भी देखने को मिलता है और चलिए मैं आपको एक बार अच्छे से गाड़ी को अच्छे से दिखा भी दूँ। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा है और कलर बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद आया है। सो गाइस आप इंटरनल यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा है और काफ़ी प्रीमियम लुक में ये वेन्यू का हुंडई मॉडल हुंडई कंपनी का है। और मैं आपको दिखा दूँ अंदर से जो हुंडई शोरूम है दोस्तों, आप यहां पे आउटलेट देख सकते हैं ऊपर में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। नंबर प्लेट अगर आएगा सिर्फ तो पक्का देते हैं लेकिन अभी 3:30 बज गया है। अब कम देखिए दोस्तों, लड़का है सो पूरा एकदम कैश लाया है, ये लड़का लाया है। हाँ ये लड़का लाया है और गिन भी रहा है देखिए। लेकिन हम लोग को बुरा लग रहा है कि 100 किलोमीटर से आ भी गए हैं और गाड़ी नहीं मिलेगा तो बड़ा कष्ट होगा। सुबह 10 बजे से गाड़ी मंगा करके रखे हुए, आपका नाम लिखवा करके आज डिलीवरी देना है, सोचिए मेरा को कितना दुख लगेगा। तो अभी क्या दोस्तों कि हम लोग शोरूम के अंदर है और प्रॉब्लम ये है कि भैया वो गाड़ी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि गाड़ी का जो नंबर होता है वो आया नहीं है। एक्चुअली बैंक का जो पेमेंट था वो लेट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम जो है वो डाउन पेमेंट यहाँ पे दे रहा है, कैश लेकर आया था घर से। तो देखते हैं अभी क्या है, अगर काम बन जाता है तो हम लोग गाड़ी लेकर ही घर जाएंगे, अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग को कभी आना पड़ेगा गाड़ी के लिए। तो शोरूम में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा हम लोगों को भूख भी लग रहा था, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक समोसा लिया और इडली लिया था, हम लोगों ने 2 पीस और चाउमीन हमने ऑर्डर किया और बहुत अच्छे से खाया। उसके बाद दोस्तों केक लेना था तो हम सीधा बेकरी वाले के पास गए, ऑर्डर पहले से दिया हुआ था और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया और बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको केक मिल जाता है। तो वीडियो में मैं आपको टैग ज़रूर कर दूंगा, यहाँ से आप केक ऑर्डर कर सकते हैं और केक का लुक और डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और ये रहा दोस्तों आपके सामने जो केक है वो बर्थडे वाला केक था, मिकी माउस का था जो बर्थडे वाला केक है। तो अभी क्या दोस्तों थोड़ी देर पहले जब हम लोग शोरूम में थे तो उस टाइम गाड़ी का सीन नहीं बन पा रहा था क्योंकि बैंक वगैरह का पेमेंट नहीं हुआ था, तो हम लोग सोचे कि जस्ट केक वेक ले लेते हैं क्योंकि केक भी लेना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर टाइम से हम लोग घर नहीं पहुंचेंगे तो एक बर्थडे का भी
प्रोग्राम है तो वो नहीं हो पाएगा। तो अभी जस्ट हम लोग केक ले लिए हैं और केक भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में, और उसके बाद अभी हम लोग जस्ट निकल रहे हैं और शायद बैंक से भी बात हुआ है ओम का, तो अगर वो चीज़ हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा तो उसको गाड़ी भी मिल जाएगा, तो गाड़ी भी लेकर हम लोग निकलेंगे। तो ब्लॉग पे आप बने रहो क्योंकि रात का जो बर्थडे का प्रोग्राम है उसको भी हम लोग ब्लॉग में इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फाइनली लास्ट में दोस्तों यहाँ पे बैंक का पेमेंट कंप्लीट हो जाता है और ओम है यहाँ पे अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। तब तक यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉफ़ी को इंजॉय कर रहे थे। दोस्तों फाइनली करीब 7 बज चुके हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद अब हम लोग को गाड़ी हैंडओवर हो चुका है, और आपने ब्लॉग में भी देख लिया कि गाड़ी का पूजा वगैरह हो चुका है। अब हम लोग घर के लिए निकलने वाले हैं और करीब 9 बज जाएगा, हम लोग घर पहुंचेंगे और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होगा। तो चलिए ब्लॉग में आप अंत तक बने रहिए। अगर